मेरा नाम डॉक्टर कल्याण कुमार है। मैं ब्रह्मानंदा नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर झारखंड में कार्यरत हूँ एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन। आज हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलाइटिस पे। डायबिटीज मेलाइटिस बहुत कॉमन है नाउडेज। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, अगर ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा एक निश्चित लेवल से बढ़ जाती है, उसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। इसको हम लोग दो तीन तरह से डायग्नोस करते हैं, चाहे क्लिनिकल बेसिस पर डायग्नोस करें या इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर डायग्नोस करें। बहुत बार पेशेंट को वेट लॉस होता है, बहुत बार पेशेंट में कुछ डायबिटिक स्पेसिफिक सिम्टम्स आता है, जैसे बार बार भूख लगना, बार बार पेशाब लगना या चक्कर आना। ये सारा सिम्टम्स डायबिटीज़ की तरफ जाता है, तो प्रॉपरली इसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ हम लोग सब जानते हैं कि एक डायबिटीज़ होता है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसमें एक दवाई काम करती है, गोली काम करती है, और कुछ डायबिटीज़ है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन ही लेना रहता है। तो ये दोनों डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और आपको देखना है कि इसमें से कुछ भी अगर आपको साइन सिम्टम्स डायबिटीज़ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स मिल रहा है, उसको डायग्नोस कराएं, ट्रीटमेंट करें, फॉलोअप में रहें। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारा मिथ है डायबिटीज़ में, खास करके इंसुलिन से लेकर के। इंसुलिन हम लोग सब जानते हैं, इंसुलिन इन्वेजिव मेथड है ट्रीटमेंट का, प्रिकिंग मेथड, प्रिक से हम लोग को ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट को इसमें इंजेक्टेबल लेना है। टाइप 1 में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें टाइप 1 में इंसुलिन ही लेना है। आजकल हमारे पास बहुत सारा इंसुलिन अवेलेबल है मार्केट में, एक बार देने वाला या फिर तीन बार देने वाला, अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं किस में किस तरह का ज़रूरत है। बहुत बार टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इंसुलिन का ज़रूरत पड़ता है, इनिशियल स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में भी, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है, HbA1c बहुत बढ़ा हुआ है। एंड स्टेज में, खास करके लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में, जहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट जो गोली खाने वाला है वो एग्जॉस्ट हो जाता है उसका असर, वहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ता है इंसुलिन का। तो ये समझना है कि इंसुलिन अगर आ रहा है, तो सामाजिक जो धारणा है कि इंसुलिन नहीं लेना है या उससे आदत लग जाएगा, इससे बचना है। इंसुलिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंसुलिन लगना है। बहुत बार शॉर्ट कोर्स हम लोग इंसुलिन देते हैं, कोई पेशेंट एडमिटेड है, हमें सर्जरी करना है, फिट करना है सर्जरी के लिए, कुछ अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, एक्टिव इन्फेक्शन है बॉडी में, तो हम लोग शॉर्ट कोर्स इंसुलिन देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग उनको इंसुलिन चलेगा। तो ये मिथ से समझना है, मिथ से ऊपर आना है। और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में, जहाँ पे गोली काम करना बंद कर देता है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड बचता है ट्रीटमेंट के लिए, वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन से डरना नहीं है, इंसुलिन को अपना दोस्त बना के चलना है। जो भी दवा हम लोग ले रहे हैं, सम वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंसुलिन पे ही काम कर रहा है, जिससे शुगर कंट्रोल हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। जो भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कॉम्प्लिकेशन फ्री रहे, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, प्रोडक्टिव लाइफ है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से जी सकें, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहे। इसलिए ट्रीटमेंट का पूरा आधार वही है, कॉम्प्लिकेशन फ्री रखना। डायग्नोसिस कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, प्रॉपरली फॉलोअप में रहें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। थैंक यू।